बीवी अब क्या करे? फ्लावर्स दिए है एक दो उन्हें। हाँ मिस लेनवेन, आपके लिए फ्लावर्स है। ये इस महीने की रिपोर्ट है, देख लो, देख लिए। हाँ मिस्टर शु, ये लो और इस पर फौरन काम शुरू कर दो। ये कोई दिक्कत है मिस्टर? वो अगले हफ्ते आएंगे, इस हफ्ते मैं अब भी ही के ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। ओके, मैं डिपार्टमेंट्स में बता दूंगी। फूलों को बाहर क्यों ले जा रहे हो भाई? मैं ये काम नहीं करूंगा। उस लेडी ने कहा अगर मैंने फिर से फ्लावर्स भेजे तो वो मुझे जान से मार देगी। माफ करो। अरे रुको, जाओ यांशिन। हाय, ये तुम्हारे लिए है। अपने फ्लावर्स लो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लेनवेन क्वांगु फाइटिंग क्लब की फाइटर, तुमने मुझे मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब तुम्हें कुछ याद आया? वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम पर चोरी का केस ठोक दूंगा। तुमने मेरा दिल चुराया है पर तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। जब से हॉस्पिटल से निकला हूं मुझे हमेशा डर लगता है और मैं बहुत दुखी हूं। तुम मेरे ख्यालों में एक पिक्चर की तरह चलती रहती हो। बहुत दिनों तक सोचने के बाद लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पता है केसी मुझसे भी ज्यादा जरूरी है और तुम्हारे घरेलू झगड़े भी हैं। गाड़ी बदलने से जो मेरे पास पैसे आए हैं मैं तुम्हारे लिए बुक्स खरीद लूंगा। मिस लेनमन, प्लीज मुझे एक और मौका दो, मुझे थोड़ी जिम्मेदारी लेने दो, मैं बड़ा हो गया हूं। पागल कहीं का। एक मिनट लेनमन, 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 मैं गलत था, मुझे मारो। तुम किसी और को डेट नहीं करोगी ना, ना ही किसी के साथ पिक्चर देखोगी, मुझे इग्नोर मत करो। मानती हूँ मैंने झूठ बोला और तुम खुश भी नहीं हो। मैंने ये भी कहा था कि हमारा रिलेशनशिप तुम पे डिपेंड है, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम मेरी गलतियां देखोगे मिसेस शू की तरह। हाँ? अरे नहीं, मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं मानता हूँ शुरुआत में मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया था, मुझे पता करना था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, या कैसे ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर बाद में मैं समझ गया। चलो करके दिखा दो। वो इम्पोर्टेंट है पर मेरा क्या? केसी को मदद करती हूँ तो क्या? तुम मिस्टर शू से बात नहीं करते? उस दिन हॉस्पिटल में मिस्टर शू ने मेरे और केसी के बारे में कितना बोला, तुमने हमारा साथ देने के बजाय मिस्टर शू का साथ दिया। मेरी बात सुनो ना। जाओ यांशिन, आज तुम एक बात समझ लो, वो कैसे बर्ताव करता है सबसे, क्या वो सही है? वो मेरे हम है। हाँ, मेरा भी यही मतलब था। बॉस अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिनमैन, पता है अगर तुम एक बार अड़ गई तो कभी नहीं मानोगी। यहां से जाने के बाद तुम्हें कभी मेरी फिक्र नहीं होगी। लिनमैन, पता है तुम पत्थर दिल हो पर मुझसे ऐसा बर्ताव मत करो। मेरी तरफ देखो ना। पता है बॉस ने इस बार हद कर दी पर मैं उनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता, पर मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। लिनमैन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं।
क्या? क्या तुम पागल हो? क्या तुम आगे नहीं आ सकते? तुमने तो डरा ही दिया था। मुझे छोड़ो, कितना टाइट पकड़ते हो तुम। छोड़ो मुझे। नहीं, अगर तुम फिर भाग गई तो सब कौन करता है? छोड़ो मुझे। क्या कोंगहो को रीबिल्ड करने के लिए शून वो मान गया? ये सच है, हेगे ग्रुप ने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए बता दिया है। वो अच्छे से जानता है कि केसीयू को सबसे ज्यादा कोंगहो की परवाह है, पर उसने छोड़ने से पहले ये किया। वो केसी से बहुत नफरत करता होगा। इसे कहते हैं जितना प्यार करोगे उतनी ही नफरत करोगे। शूनू तो मुझसे भी ज्यादा सख्त है। हो सकता है कि वो बहुत बेचैन हो, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए केसी के खिलाफ गुस्सा निकाल रहा है। किसी ना किसी तरह उसने मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो खुद कोंगहो को रीबिल्ड करने का डॉक्यूमेंट साइन कर देगा तो मेरा तो फायदा ही है। आप तो पहले स्टेडियम भी रखने वाले नहीं थे। क्या मैं ये अच्छी डील छोड़ दूं जिस पे शूनू की भी नजर है? तुम तो नादान हो। वाइन खोलो। सिजाओ, आज हमारी ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर तुमने हमें स्टेडियम क्यों बुलाया? कुछ बातें घर पर करना ठीक नहीं। ऐसी क्या बात है, बोलो। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। कौन सी पहले बताऊं? हमने आजकल बहुत बैड न्यूज सुन ली, तो पहले गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि फाइनल ब्रॉडकास्ट के दिन से ही 10 कंपनियां हैं जो कोंगहो को स्पॉन्सर करना चाहेंगी, और वो भी अच्छी कंडीशंस के साथ। ये अच्छी खबर है। क्या शूना जानता है इसके बारे में कि हम भी हेगे ग्रुप का एक हिस्सा है? क्या ये करना ठीक रहेगा? शूनू आप कौन है? कुछ ही दिनों में तो फिर बैड न्यूज क्या है? अरे अब हमारे पास काफी पैसे हैं, अब बुरी खबर क्या होगी? शूनू ने कल अप्रूवल दिया, इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स ने कोंगहो को रीबिल्ड करने का काम शुरू किया है। ये उसका आखिरी डॉक्यूमेंट है एज प्रेसिडेंट। शूना, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो?
मास्टर, एग्रीमेंट लंबे समय से साइन हो चुका है, तो फिर पेमेंट क्यों लेट हो गई? आप मुझे छोड़ने वाले हैं? इंटेंशन एग्रीमेंट साइन करने का क्या फायदा? कड़ी मेहनत के बाद अगर इन्वेस्टमेंट दो तो आम बात है ना। क्या अक्सर तुमने मुझे हार मानने के लिए राजी नहीं किया था? जब तुम मेरे साथ पढ़ रहे थे उस वक्त तुम कभी दूसरों की जान की परवाह नहीं करते थे। इसकी वजह क्या है बताइए मुझे। यकीनन मुझसे ही सीखा है तुमने, मुझे तुम्हारे नजरिए पे भरोसा है। सुनो, तुम कामयाब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कभी इमोशंस ने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन इस बार रुकावट अलग है। मुझे चिंता है कि तुम इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। जैक, मुझे नहीं लगता बॉस इतने इमैच्योर हो सकते हैं। मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं और मुझे इसकी बहुत चिंता है। सुनो, मानना पड़ेगा तुम अच्छे शिकारी हो, पर जब बात बिजनेस चलाने की आती है हमें किसान की जरूरत है, शिकारियों की नहीं। अगर तुम हमेशा अपने साथ बंदूक रखोगे तो कभी ना कभी चल जाएगी। मैं चाहता हूं तुम आग से खेलने या रिस्क उठाने के बजाय अपना एम्बिशन यूज करो। अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने पर ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छा होगा। मैं समझ गया। मैं कल आपको एग्रीमेंट और नया बिजनेस प्लान भेज दूंगा, फिर आगे बात करेंगे। ये वो है जिस पे तुम भरोसा करते हो? ये एक नंबर का शैतान है। अगर ये शैतान नहीं होते तो मेरे मास्टर कैसे बनते?
30, 31, 32, 33 थोड़ा अपने शरीर को झुकाओ कोच। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती और नहीं कर सकती कोच, नहीं, मैं थक गई हूँ। तो मुझे बताओ केसी को क्या हुआ? कोच, मैंने आपसे हजार बार कहा है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ी सी बस, वो हेगे कंपनी अब भी जिम्नेजियम बना रही है, हाँ, इसीलिए वो अपसेट है। लेकिन कोच चिंता मत कीजिए, अब बहुत सारे लोग हमें स्पॉन्सर करेंगे। हाँ। तो ठीक है, तुम अभी भी मुझे सच्चाई बताना नहीं चाहते ना? वे भाई, और 50 करो। नहीं, कोच, मैं नहीं कर सकती। जगह बदलने की वजह से अपसेट है। तुम 100 और करो। कोच, तुम सब चुप रहो। ली युंजु, तुम बताओ। मैं डैड, तुम नहीं बताओगी है ना? ठीक है, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। डैड, नहीं, आप नहीं जा सकते। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। शांत हो जाइए कोच। डैड, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। लियोन्जो, तुम इन्हें सच नहीं बता सकती। युंजु, अब इतना कुछ हुआ है, कभी ना कभी बात सामने आएगी। तो के पास डैड, मैं आपको बताऊंगी, पर आपको मुझसे वादा करना होगा, आप गुस्सा नहीं करेंगे।
बिजनेस से मिला जो आजकल कोंगू कंपनी में इंटरेस्टेड है। मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट की है जो भरोसेमंद लगते हैं और सब जल्दी में भी है क्योंकि वो पूछते रहते हैं सी से कब मिलना होगा। वैसे बहुत सारे मीडिया के लोग सी का इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कोंगू ब्रांड की प्रमोशन के लिए ये अच्छा है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया जिशाओ। मेरे हिसाब से अभी इन सब की कोई जल्दी नहीं है। देखो किसी की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे अभी कोंगू के बारे में सोचने नहीं दे सकता। किसी को अभी दुखी होने का पूरा हक है, सही कहा ना? हाँ कोच, हम उसे हर वक्त दुखी नहीं देख सकते हैं। हम उसे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? तुम सब में से प्यार की एक्सपर्ट होने के नाते मेरा एक सुझाव है। इंसान को प्यार के दुख से बाहर निकालने का बेस्ट तरीका है उसे दूसरे रिलेशनशिप में डाल दो, वो अपने दुख से बाहर निकल सकती है। बीवी पागल मत बनो तुम। मैं पागल नहीं बन रही हूँ। शिशा तुम क्या कर रहे हो? ये सुनहरा मौका है, तुम फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें किसी पसंद नहीं क्या? और फिर अगर तुम अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कौन है? मैं देखती हूँ। तुम ये क्यों बोल रही हो? मैं ये केसी के लिए बोल रही हूं। ओ, तुम हो लिनवेन, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम यहां क्यों आए हो? ये केसी ने बॉस के घर छोड़ दिया था, मैं देने आया हूं। निकल जाओ। ठीक है। रुको, सामान दे दो। तुम बात बिगाड़ रहे हो। मैं ये वापस नहीं लाना चाहता था, ये तो बस मुझे बॉस ने कहा था। मैं जा रहा हूं। सी, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं फेंक देती हूं। जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। किसी बाहर आओ। गुस्सा मत कीजिए डैड, आराम से बात कीजिए। हाँ अंकल ली, प्लीज शांत हो जाइए। कोच, कोच, आप मुझे मार लीजिए। अगर मुझे नहीं तो लिनमैन को मारिए। ये सारा आइडिया इसी का था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हाँ कोच, मुझे मारिए, मुझे मारिए। कोच, ये तीनों की तीनों बहुत बुरे हैं, एकदम बुरे। खासकर ये लियोंजू, इसने हेगे ग्रुप छोड़ दिया। और लियांग जिशाओ हेगे ग्रुप में है, फिर भी इसने कोई मदद नहीं की। लिनमैन, ये सबसे बड़ी गुनेगार है। और मैं, मुझे तो इनकी बात माननी पड़ी, और मैं क्या करती? कुछ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या तुम चुप रहोगी?
कैसी? खुद को देखो अभी जरा, तुम रोज ऐसी ही दिखती हो क्या? क्या शूनू को अच्छा लगेगा? किसी और को भी नहीं लगेगा। तुम्हारा जोश कहां गया? तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा खुश रहना सब कहां है? डैड, मुझे डैड मत बुलाओ। तुम मेरी बेटी हो, मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, तुम्हें और कोई हर्ट कैसे कर सकता है? इन सबको देखो जरा, हाँ, अपने आसपास के लोगों को देखो जरा, हम सबको देखो, तुम्हारे सब दोस्त हैं। अगर तुम दुखी होती हो तो हमें भी उसका दुख होता है। तुम्हारा दिल टूटा है, उसका दुख हमें भी है। I'm so sorry. मैंने सबको परेशान कर दिया। बेटा याद रखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब उसका साथ में सामना करेंगे, ठीक है? अब ठीक है? ठीक है, चलो बाहर जाते हैं मेरी तरफ से। मुझे मुझे माइक दो। हाँ ये लो। बेटर जरा ये चेक करके बताना, तीसरा वाला। लिनमैन, मैं लिनमैन, बैठ जाओ। स्टार वाला प्लान पूरा हुआ? बॉस, अगर मैं नहीं गया तो मेरी खुशियां चली जाएंगी। क्या तुम खूंखार दरिंदा बनना चाहते हो अपनी सारी खुशियां खोने के बाद? बैठ जाओ। हिम्मत रखो, किसी, मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं रहना है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्यों, क्या तुम्हें डर है यहां रह के मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे बस यहीं रहना है और कुआंगू को वापस खड़ा करना है। मैं थोड़ी मतलबी हो गई थी, पर आजकल लगता है मुझे पुरानी फीलिंग भी आ रही है। मुझे बिल्कुल पहले जैसा मेरा घर लग रहा है। यंजू, अगर तुमने सच में एमएमए करने का डिसाइड किया है तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए।
अगर तुम कोंगो के लिए सच में कुछ करना चाहती हो तो अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करो, खुद को साबित करो, और फिर एक दिन तुम जब वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगी तो तुम पूरी दुनिया को बताओगी कि मैं ली युनजू हूँ युनजुन में कोंगो टीम से। मैं तुम्हें वैसे देखना चाहती हूँ। पर तुम ऐसी हालत में हो और डैड भी बीमार है, तुम्हें कितना कुछ करना है, मैं बिना चिंता के कैसे जाऊं? अरे छोड़ो ना उस बात को, हम तुम्हें परेशान नहीं होने देंगे, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। मुझे तुम पर भरोसा है, जानती हो क्या, मैं हमेशा से डैड को तुम्हारी साइड लेने के लिए दोष देती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कंपटीशन खत्म होने के बाद तक मुझे एहसास नहीं था कि जो तुम हमेशा से करना चाहती थी वो मैं कर सकती थी। मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनी, मैं तुमसे जलती थी, तुमसे शर्मिंदा भी होती थी, क्योंकि मुझे लगता था तुम्हें ज्यादा प्यार मिलता है। मुझे लगता मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर जब भी तुम्हें परेशान और दुखी देखती मुझे बुरा लगता था, और तुम्हें बचाना भी चाहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती। मुझे फिर एहसास हुआ मैं तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझसे प्यार करती हो? पागल मत बनो, मुझे एहसास हुआ सिर्फ मैं तंग कर सकती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो तुम दुखी होना बंद करोगी, शूनुओं के लिए दुखी मत होना, ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी, और मैं ऐसे नहीं जा सकती सबको दुखी छोड़ के। ठीक है, तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी। हे योनसो, वो जिशाओं को क्या हुआ? दरअसल मुझे वो खास पसंद नहीं, बस सहन नहीं होता था जो तुम्हें पसंद करता है वो मुझे नहीं करता। और पता है क्या, मैंने शुनो से भी कहा मेरा पीछा छोड़ने के लिए। तुम बुरी लड़की हो। चलो सो जाओ अब। अरे केसी क्या कर रही हो, हटो। नाश्ता तैयार है डैड, युनजू नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग। आ, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ये सब तुमने बनाया केसी? हाँ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, बढ़िया है, बैठो। बैठिए, चलो चलो खाते हैं, चलो शुरू करते हैं। बढ़िया है, चलो शुरू करते हैं। मेरी कुकिंग सबको पसंद आती है या नहीं? ये पॉरेज अच्छा है। इस बार एकदम परफेक्ट है। इसमें आखिर किस तरह की स्टफिंग है? क्रीमी कस्टर्ड। ठीक है। किसी तुमने कब सीखा खाना बनाना? तुम जब तुम यहाँ नहीं थी खाती, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। यम्मी यम्मी, अच्छा है। As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be
the best we ever.